Welcome to BPSC Platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, best statistics lectures, for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. Hi all, this is Ranveer here and I welcome you to BPSC platform. और आज हमारा बायो सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन. ओके, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन को डिस्कस करने से पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, बुकिश डेफिनेशन और न्यूट्रिशन को जान लेते हैं. ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी. जो भी खाना आप खाते हैं, चावल दाल सब्जी, ये नहीं रैंडमली जो भी खाते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है. ये न्यूट्रिएंट इन टर्न हमको एनर्जी देता है. डाइजेशन में हमने पढ़ा था ना कि हमको ग्लूकोज मिलता है फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज व्हाट, ये ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है? इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का जब ब्रेकडाउन हो रहा है डाइजेशन में, हमने पढ़ा था मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन. मैकेनिकल उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और केमिकल में क्या होता है, फर्दर डिविजन होता है. एंड दैट इज वेयर वी गेट एनर्जी फ्रॉम. ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन. ये जो पूरा प्रोसेस है फूड को खाने का, एब्जॉर्ब करने का, डाइजेस्ट करने का, स्टोर करने का, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और इसकी कमी को क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन. जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं बॉडी में तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, अच्छा, कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेट अस सी. इन टोटल ये 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है. मैंने चार्ट में 5 को इंक्लूड किया है एक्सक्लूडिंग मिनरल्स. इसको आपको खुद से करना है, ऐसे होंगे. ठीक है, बाकी सब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारा हम इस, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको न्यूट्रिशन टेबल करके, दैट इज अटैच्ड इन दिस शीट, उसको आप डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब बिफोर वी मूव टू सी इन द चार्ट, एक और चीज़ याद रखना है हमको भी कि बैलेंस डाइट किसको कहते हैं. व्हाट इज बैलेंस डाइट? डाइट मतलब खाना होता है जो हम खाना खाते हैं, डाइट. और वो बैलेंस्ड वे में, मतलब उसमें रिक्वायर्ड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसे डाइट को बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. अभी आप अगर सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा दाल भी खाना है, सब्जी भी खानी है, फ्रूट्स भी लेने हैं, दूध भी पीना है. ठीक है, वेगन है तो अंडा खा रहे हैं, वेजिटेरियन है तो अंडा नहीं खा रहे हैं, मीट मछली नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे किसी ना किसी तरह आप अपना एक पौष्टिक आहार ले रहे हैं, पूरा कर रहे हैं जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है. हर इंसान को अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, हर एज ग्रुप में, अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, 60 साल के, 70 साल के, और उनको आप बिल्कुल एकदम मस्त छना हुआ पकौड़ा और तेल मसाला खिला रहे हैं रोज, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है, वोंट बी एबल टू, और शी वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. तो न्यूट्रिशन क्या, एक सफिशियंट क्वांटिटी में आप इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को जो लेते हैं, दैट इज नथिंग बस योर बैलेंस डाइट. ठीक है,
Now let us move ahead and see what we have in this nutrition table. बहुत important है, पूरा factual है और ये बहुत एकदम VVI topic है biology का. इसको एकदम याद करना ही करना है. factual चीज़ें हैं, direct questions आते हैं, याद कीजिए. और बाकी इन notes के अलावा current affairs से आपको जो कुछ भी मिलता है अपना notes में update कर लीजिए. ठीक है, so let us move ahead and look into the nutrition table. आई जस्ट ओपन दिस एक्सेल जिसमें कि बनाया है. ओके, आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा अभी. ओके, सो ये एक्सेल फॉर्मेट में टेबुलर वे में सब कुछ इसमें एक जगह ही डाल करके रखा है. अब इसको अगर सही से देखें तो क्या क्या है इसमें, देखिए ये तो सीरियल नंबर है, इसको देखने की और समझने की ऐसे ज़रूरत नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5 संख्या टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है पहले में. ठीक है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर अगर उसका कुछ सब क्लासिफिकेशन है वो मेंशन किया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये जो न्यूट्रिएंट है, दिस वेरी न्यूट्रिएंट, ये क्या फंक्शन कर रहा है, क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा है, एंड इसका नेचुरली अवेलेबल सोर्सेस क्या है नेचर में. ठीक है, जो आपको प्राकृतिक इसका सोर्स है वो क्या है. ठीक है भाई, ये पढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू सी 50 to 75% ऑफ एनर्जी सोर्स कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ह्यूमंस के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी जैसे कि इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है. केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो दिस इज द न्यूट्रिएंट्स दैट ऑल ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली. इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2:1. ठीक है, जैसे C6H12O6, तो 6:12:6, 1:2:1 के रेशियो में मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, वही यहाँ पे लिखा है. सुगर और स्टार्च आर द मेन सोर्सेस. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सुगर स्टार्च कहाँ से मिल रहा है हमको, जब उसके सोर्सेज में जाएंगे, नेचुरल सोर्सेज में. 50 to 70% एनर्जी सोर्स वी डिस्कस्ड, एंड जस्ट एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक ग्रुप एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डोस कहते हैं और कीटोन ग्रुप से बने हुए को कीटोस कहते हैं. दीज आर ऑर्गेनिक ग्रुप्स. ठीक है ना, आपने सुना होगा आजकल ये बड़ा डाइटिंग वर्टिंग का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो उसमें कीटोन डाइट पे रहते हैं लोग, कीटो डाइट. सो दैट इज नथिंग बट दिस कीटोस ग्रुप का जो भी कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ वही खाते हैं. आई डोंट नो, उससे कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता होगा. आई एम नॉट अवेयर मच अबाउट दैट, एंड दैट इज़ नॉट ऑल्सो समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसका सब क्लासिफिकेशन, तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या क्या है, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स, तीन है. अब नाम से ही आधा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. मोनोसैक्राइड्स क्या है, सिंपल सुगर पॉली हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं, सिंपल कीटोन ग्रुप होता है ये, जैसे कि एग्जांपल में ट्रायोज, ग्लूकोज, पेंटोज. नेक्स्ट इफ वी गो ओलिगोसैक्राइड्स में 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स मिलकर के एक ओलिगोसैक्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज. और जब यही लार्ज नंबर में कंबाइन हो जाएगा तो पॉलीसैक्राइड्स मिलेगा हमको. ठीक है, अभी जैसे यहाँ नोट्स में मैंने पॉली लिखा है, मोनो लिखा है, तो पॉली का मतलब पॉलीसैक्राइड्स आप समझ जाइएगा. ठीक है, नोट्स ऐसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम रिकॉल कर सकें जब हम रिवाइज करते हैं तो. ठीक है, आई होप दिस विल बी यूजफुल टू यू. अब इसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है आइए देखते हैं. वर्क्स एज अ फ्यूअल, जब 50 to 75% आपको एनर्जी इससे मिल रहा है, डेफिनेटली इट इज़ लाइक अ फ्यूअल टू योर बॉडी. ऊर्जा मिल रहा है आपके बॉडी को इसी से, जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलता है, डीजल से गाड़ी चलता है, उसी तरह
पेट्रोल आपके गाड़ी का एक माइलेज होता है 50 किलोमीटर पर लीटर काइंड ऑफ, उसी तरह 1 ग्राम ग्लूकोज को जब उसको कंज्यूम करता है बॉडी तो 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। ए सिमिलर वे, जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल जलता है तो 50 किलोमीटर गाड़ी चलता है, सेम वे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज से ही 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलता है। एंड ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी, वी नो दिस। डाइजेस्टिव सिस्टम वी डिस्कस, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज ग्लूकोज। फाइनली ग्लूकोज मिलता है जो सेल्स में जाके स्टोर होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और एक छोटा सा पॉइंट ये है कि लैक्टोज इज ऑफ मिल्क इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड लैक्टोज, और नेचुरली अवेलेबल का किस्म किस्म में वीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो, शकरकंद और पोटैटो, आलू। जैसे वीट है, कभी आप देखिएगा रोटी को बिना किसी सब्जी दाल वगैरह में मिलाए अगर आप खाने की कोशिश करो तो आपको उसमें क्या होता है, आपको मीठा लगता है जब आप चबाते हो तो, दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, गेटिंग मी, इसके वजह से होता है। अब सिमिलरली नेक्स्ट में आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है यहाँ पे। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज अगेन काइंड ऑफ अ कंपाउंड इन केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 15% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसी के लिए जब आप जिम करते हो, रेसलिंग या ऐसा कुछ बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए। आप अंडा खाते हो, सोयाबीन खाते हो, इन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए हम कंज्यूम करते हैं। एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विथ सी एच एंड ओ, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। अलॉन्ग विद दैट नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, और इसका भी 3 सब क्लासिफिकेशन है। क्या क्या है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है, सिर्फ एमिनो एसिड से बनेगा, उसका भी कुछ एग्जाम्पल्स है, एल्बुमेंस, ग्लूबोमेंस, ऐसे ही। नेक्स्ट कम्स कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में क्या है, दे आर मेड अप एमिनो एसिड है अलॉन्ग विथ सम अदर केमिकल कंपाउंड्स। क्या केमिकल कंपाउंड्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लेकिन सम अदर केमिकल, अमीनो एसिड के साथ और कुछ मिक्सचर हो गया है। क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। उसी तरह डिराइव्ड क्या है, डिराइव्ड क्या है, नेचुरल प्रोटीन से डिराइव हो रहा है। क्यों डिराइव हो रहा है नेचुरल से, ड्यू टू पार्शियल डाइजेशन और द हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल प्रोटीन गिव्स अस डिराइव्ड प्रोटीन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल इज पेप्टोन एंड एक्सेट्रा, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ये चीज़ें याद रखनी फैक्चुअल चीज़ें, एक्चुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यू। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कोई ऐसा बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल ग्रोथ, दैट्स वाई कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट। कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कंट्रोल्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस क्वाश्योरकर एंड मरास्मस डिजीज। ये दो तरह के डिजीजेज होते हैं, माल न्यूट्रिशन की डिजीजेज हैं ये। बॉडी डिफॉर्म हो जाता है आपका इन दो डिजीजेज में। आप गूगल पे क्वाश्योरकर और मरास्मस सर्च करके उसकी इमेजेस देख लीजिएगा, आपको कभी ना कभी अपने जीवन काल में डेफिनेटली यू वुड हैव कम अक्रॉस समवन, सम ऑफ द चाइल्ड, बच्चों में ज़्यादा होता है ये, बच्चों में ही होता है एक्चुअली माल न्यूट्रिशन की वजह से, क्वाश्योरकर और मरास्मस। तो हम जब डिजीजेस पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे डिजीजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ मिलता है, एंजाइम्स में मिलता है, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, एसेंशियली दे आर प्रोटीन्स। सोयाबीन में मिलेगा, एनिमल प्रोटीन्स में मिलेगा जैसे कि एग, उसमें मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए इसका कंजम्पशन हम बढ़ा लेते हैं जब बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, करेक्ट।
समझ में आ रही है ना चीज़ें, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, हमको याद करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही सवाल आते हैं, सोयाबीन किस चीज़ में रिच है, ऑप्शंस दे देगा चार, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, किस में, सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन्स शुड बी योर आंसर। ठीक है, ये जनरल चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, कलेक्टर बनने जा रहे हैं आप सब। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट विटामिन्स। ठीक है, अब विटामिन्स में क्या क्या है, विटामिन्स है और वाटर्स है, वाटर है, सॉरी फैट्स भी हैं, फैट के बारे में पढ़ते हैं, तीन चीज़ें और बची। और फैट्स में क्या है, दे आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, फैक्चुअल चीज़ है आपको याद करना होगा। इसमें कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन का जो एटम है वो कम होता है, ऑक्सीजन का रेशियो कम होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और फैट यूजुअली ये सॉलिड स्टेट में होता है, बट अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें या रूम टेम्परेचर पे रखें वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑयल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑयल। ठीक है, और दो तरह के इसके सब क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड नेचुरली मिलता है किसमें, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल में, यही दो चीज़ों में मिलता है सैचुरेटेड फैट्स। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड इज फाउंड इन फिश ऑयल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। इतना ही डिफरेंस है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना, हमें स्कॉलर नहीं बनना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। अब आगे बढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, इट रिमेन्स अंडर योर स्किन एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट, जो हीट होता है ना, ताप जिसको कहते हैं, बदन की तपिश, उसको उसका जो भी वो लॉस होता है, इट प्रिवेंट्स, सुरक्षा करता है उसकी। फूड मटेरियल को टेस्टी भी बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आई मीन आप कुछ भी बिना तेल के बनाओगे, तेल डाल के बनाओ, थोड़ा टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, अच्छा ही अच्छा टेस्ट है, वी हैव इवॉल्व आवर सेल्फ। प्रोटेक्ट्स बॉडी पार्ट्स फ्रॉम इंजरी, फैट जमा होता है थोड़ा वहाँ पे, बल्की हो जाता है तो बॉडी पार्ट्स को जमा करता। अच्छा, और क्या है, एक यू नो स्केलेटल सिस्टम में भी हमने पढ़ा था, बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है एज ए फ्रेमवर्क, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स, दोनों काम करता है। ठीक है ना, जैसे कि रिब्स प्रोटेक्ट भी करते हैं। अच्छा, अगर फैट ज़रूरी भी है बॉडी के लिए, क्योंकि अगर फैट नहीं हुआ तो इट विल रिजल्ट इन ड्राई स्किन, वेट लॉस एंड बॉडी डेवलपमेंट इज ऑल्सो चेक्ड, बॉडी का सही डेवलपमेंट भी नहीं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोई कहता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फैट इज इम्पॉर्टेंट। एक्सेसिवनेस ऑफ फैट कॉजेज हार्ट डिजीज एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कार्डियो प्रॉब्लम्स होते हैं आपको इसकी वजह से ही, तो एक्सेसिव नहीं लेना है, बट एक एडिक्वेट मात्रा में लेंगे, बैलेंस डाइट के वे में लेंगे तो इट इज गुड एंड इट इज नेसेसरी ऑल्सो। अभी हमने पढ़ ही लिया, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल्स में फैट मिलता है। नेक्स्ट विल गो इन विटामिन्स। अब देखिए विटामिन्स में क्या हो रहा है, विटामिन्स कुछ भी नहीं है, ये भी अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। एक्चुअली ये जीरो कैलरी प्रोवाइड करता है बॉडी को, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म, जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होता है उसके लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन्स बहुत तरह के होते हैं, ए, बी, B12, B6, B7, बहुत सारे होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, बट इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए दो फॉर्म में इसको हम बांटते हैं, एक जो कि वाटर में सॉल्यूबल है और एक जो कि फैट में सॉल्यूबल है। वाटर में कौन से विटामिन सॉल्यूबल है, बी एंड विटामिन सी आर सॉल्यूबल इन वाटर, और फैट किस में है, बी और सी को छोड़ के, ए, डी, ई एंड के, ये सारे फैट में सॉल्यूबल है। ठीक है, सॉल्यूबल मतलब घुल जाता है पूरी तरह से। विटामिन्स का इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट।
सिंथेसिस ऑफ विटामिन कैन नॉट बी डन बाई सेल्स एंड इट इज़ फुलफिल्ड बाई विटामिन रिच फूड. इसी के लिए विटामिन रिच फूड खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, एग्स खाते हैं, दाल, इन सब में विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है. इसलिए एक्सटर्नल कंजम्पशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी तरह कुछ कुछ डिजीजे होते हैं, जैसे कि अगर विटामिन डी कॉजेस कैल्शियम डिफिशियंसी. क्यों कैल्शियम डिफिशियंसी होता है? विटामिन डी के कमी के वजह से. और इसका रिजल्ट क्या होता है? आपके मसूड़ों में से खून निकलता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, फ्रेजाइल बोन, कमज़ोर हड्डियां आपकी जो है. यूजुअली जो विमेन होते हैं आफ्टर सर्टेन एजेस, उनको बहुत सारे कैल्शियम डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होती है. प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होती है. मेनोपॉज होने के बाद भी कैल्शियम डिफिशियंसी की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो उनका कैल्शियम का इनटेक ठीक ठाक होना चाहिए फॉर वुमेन्स. अगर आपके घर में जैसे आपकी माँ हो और भी भाभी हो, बहन हो, सबको ज़रूर इन चीज़ों से अवेयर कराइए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और घाव भी जल्दी नहीं भरता अगर विटामिन डी का कमी रहे तो. हीलिंग ऑफ वुंड्स इज आल्सो डिलेड. अच्छा, नेचुरल किस में मिलता है? दूध. दूध पीना ही चाहिए, बिल्कुल आप भी पीजिए, हेल्दी रहिए. एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, मीट, कॉड लीवर. अच्छा, कॉड एक मच्छी का प्रजाति है, उसके लीवर के ऑयल में विटामिन रिच रहते हैं, इसलिए कॉड लीवर ऑयल का टैबलेट्स भी आता है जो कि लोग खाते हैं आजकल इन द मॉडर्न लाइफ स्टाइल. इंस्टेड ऑफ ईटिंग फिश दे ईट अ टैबलेट. सो दिस इज आयरनी. ठीक है. वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम न्यूट्रिशन प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, आपको ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि बॉडी किससे बना है. तो 65-75% बॉडी आपके पानी से ही बना है. पानी कैसे मिलता है बॉडी को? जो हम पीते हैं उससे मिलता है. पानी का क्या क्लासिफिकेशन? दिस इज नो सब क्लासिफिकेशन फॉर वाटर. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें हमको जानना है ये है कि पानी क्या करता है. पहला तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे यूरिन पास करते हैं उस क्रिया में पानी का बहुत यूज़ होता है, म्यूकस निकलता है. ठीक है, कफ, ये सारी चीज़ों एक्सक्रीशन के प्रोसेस हैं जिसमें पानी के वजह से जो भी एक्सक्रीटा है बॉडी का, जो भी वेस्टेज है वो निकल जाता है. और जितना भी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो भी होता है डेट इज थ्रू हाइड्रोलिसिस ओनली. उसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज बॉडी इज डन बाय हाइड्रोलिसिस. अच्छा, फ्रेश वाटर एंड कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, ये भी नेचुरल अवेलेबल सोर्सेज हैं वाटर के. कोकोनट वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. जो आप डाब का पानी पीते हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि हमको पढ़ना है, याद रखना है. मिनरल्स भी एक है, मिनरल्स को आप पढ़िए खुद से, काइंड ऑफ होमवर्क है. और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के बनाइए, घटना चक्र प्रैक्टिस कीजिए. और भी जैसे KBC नैनो है और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर से ज़रूर बनाइए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू सो मच. और हाँ, नोट्स और सारे मटेरियल्स वेबसाइट पे, BPSC वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं उनको. ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय.